बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मशहूर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बीफ दम के कीमे की रेसिपी। लेकिन ये दम का कीमा जो है इसका शजरा हैदराबाद दक्कन से बिल्कुल भी नहीं मिलता। अच्छा, ये बात मैंने क्लियर इस वजह से कर दी कि किसी भी डिश के अंदर इस्तेमाल होने वाले उसके ज़ाय तरकीबी, खुसूसन मसाला जात, उनके वक्त इस्तेमाल और अजान के रद्दो बदल से डिश जो है उसका शजरा बदल जाता है। जैसे बिरयानी है, बिरयानी के अंदर बॉम्बे बिरयानी, सिंधी बिरयानी, मेमनी बिरयानी, तो इनकी मेन अज्जा तरकीबी तो चावल और गोश्त ही हैं, लेकिन मसाला जात और टमाटर प्याज वगैरह के मुख्तलिफ औजान और मुख्तलिफ इस्तेमाल की वजह से किसी बिरयानी को हम सिंधी बिरयानी, किसी को मेमनी बिरयानी और किसी को हैदराबादी बिरयानी का नाम दे देते हैं। मैं इस कीमे को जो है सिर्फ दम का कीमा ही कहूँगा, हैदराबादी दम का कीमा नहीं कहूँगा। हाँ, हैदराबाद से ताल्लुक़ ज़रूर है दम के कीमे का। दम के कीमे की जो डिश है स्पेसिफिकली वो हैदराबाद दक्कन से ही आई, उसकी मशहूरी भी हैदराबाद के नाम के साथ ही है, लेकिन हमारा कीमा बहरहाल हैदराबादी नहीं है, उसे आप जो भी कह लें। आइए देखिए कैसे तैयार हो रहा है। यह है जी बीफ का कीमा जो 1.5 किलो है, बारीक पिसवा लिया मैंने। देखिए हमने अपने बर्तन के अंदर जो है 1 किलो बारीक पिसवा कीमा डाल दिया है। मीट टेंडराइजर जो शान कंपनी का है, शान का मीट टेंडराइजर मैंने आपको स्पेसिफिकली नाम लेकर इसलिए बताया कि दूसरी कंपनीज के मीट टेंडराइजर मैंने इस्तेमाल किए, कचरी पाउडर इस्तेमाल किए, वो रिजल्ट नहीं है जो इसका रिजल्ट है। तो आप कतन भी कोई और कंपनी का मीट टेंडराइजर इस्तेमाल मत कीजिएगा, बाकी आगे आपकी मर्जी है। ये जी हमने थोड़ा सा पानी लिया है, जो 1/4 कप पानी है, इसके अंदर मैं ये 1 टेबल स्पून मीट टेंडराइजर डाल के डिजोल्व कर रहा हूँ। ये जी हमारा मीट टेंडराइजर डिजोल्व हो गया पानी के अंदर। ये मैं इसको डाल रहा हूँ अपने कीमे में, और इसको कीमे में डालने के बाद हाथ से मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रहा हूँ। इसको एग्जाम करना ज़रूरी है। ये जी हमारा लहसुन पेस्ट जिसके अंदर अदरक नहीं है, 1.5 टीस्पून, ये हमने अपने कीमे की नज़र कर दिया। ये जी बादाम का पाउडर जो 1.5 टेबल स्पून है, 1 टेबल स्पून चार मास का पाउडर जो घर में ही पीस कर तैयार किया है, वो भी हम इसमें डालते हैं। ये जी भुने हुए चनों का पाउडर 2 टेबल स्पून। ये जी खसखस 1.5 टेबल स्पून। ये हरी मिर्च है जिसको हमने चॉप कर लिया है छोटी वाली, ये 3 टेबल स्पून है। ये जी पिंक सॉल्ट 3 टीस्पून। रेड चिली पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च 5 टीस्पून। ये जी कुटा हुआ धनिया 3 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर 3 टीस्पून। ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। हल्दी 1 टीस्पून। ये जी सारे मसाले डालकर इसको हमने कर लिया हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स। बस ज़्यादा मिक्स नहीं करना, थोड़ा सा मिक्स कर दें ताकि सारे मसाले जो हैं वो यकजान हो जाएं गोश्त के साथ। अब इसके साथ हम डालेंगे दही। ये है जी दही जिसको हमने फेंट कर रखा हुआ था, ये 300 ग्राम दही है, ये भी हम इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। ये जी हमारा 100 ग्राम तेल यानी कि 1/4 कप तेल, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ इस टाइम पर। ये इसके इस वक्त के तमाम लवाजमत पूरे हो गए हैं, अब इसको कर लेता हूँ मैं हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स। आप चाहें तो इसको चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जो बात हाथ से आती है वो चम्मच से नहीं आती, और मुझे तो चम्मच से काम करने में मज़ा भी नहीं आता। ये देखिए हमारे तमाम ज़ायद तरकीबी बेमा मसाला जात आपस में मिक्स कर दिए मैंने, और आप यकीन मानिए इन तमाम मसाला जात के मिलने के बाद इतनी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है कि दिल चाह रहा ऐसे ही खा लूँ मैं इसको। लेकिन गहरी बात है, कच्चा नहीं खाया जा सकता, तो अभी हम इसको पकाते हैं। इंशाल्लाह इसकी खुशबू बता रही है कि बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तमाम मसालों को मिक्स करने के बाद मैंने तेज़ आंच के ऊपर देगची को रख दिया है और ढक दिया है। जब इसके अंदर अच्छी तरीके से स्टीम जमा हो जाएगी तो मैं इसकी आंच जो है वो दरमियानी आंच कर दूंगा, उस दरमियानी आंच के अंदर ही ये गल जाएगा। इस उम्र में बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर कोई मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर ही रहेंगी, किसी चीज़ में एवोपरेट नहीं होना, हवा में नहीं उड़ जाना, सब ने इसके अंदर ही रहना है। गोश्त गलाने का पाउडर तक भी इसके अंदर ही रहेगा, वो बहुत अच्छे से इसको गला लेगा, तमाम मसालों का टेस्ट बिल्कुल एप्रोप्रिएट तरीके से आएगा। बिल्कुल एक लम्हे के लिए भी आपको उसको मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत नहीं है, इधर मैरिनेट करें इधर पका लें, और आप देखिएगा ये गल भी जाएगा और पक भी जाएगा और इंतहा लजीज भी होगा। हमारे कीमे को पकते हुए तकरीबन 15-16 मिनट हो गए हैं। आइए चेक करते हैं इस लम्हे के ऊपर आकर। अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू बहुत ज़बरदस्त किस्म की आ रही है,
और आइए कीमे को भी चेक करें, देखिए ये हमारा कीमा जो है गल चुका है माशाल्लाह से। ये बीफ का कीमा था जो मैंने बिल्कुल बारीक बारीक से पिसवा लिया था। अब मैं आँच को तेज़ करके इसको पानी को बिल्कुल खुश कर लूँ, फिर इसके बाद हम इसके ऊपर गार्निश करके इसको भगा लगाएंगे। अब मैंने आज पूरी फुल टेस्ट कर दी है और इसकी भुनाई कर रहा हूँ इसको ऑलमोस्ट अब्दुल इमकान हद तक इसको खुश ड्राई करना जितना ही हो सके। जब तक कि हमारे कीमे का पानी खुश्क हो जाए मैं बराबर में फ्राई पैन को अंदर तेल गरम करके प्याज फ्राई कर रहा हूँ। 1.5 कप तेल लिया मैंने जो तकरीबन 200 ग्राम है, यानी इस पूरे कीमे के अंदर 300 ग्राम तेल का इस्तेमाल किया मैंने। ये है जी प्याज जिनको मैंने बारीक बारीक से काट लिया है, 150 ग्राम प्याज हैं जी। ये गरम तेल की नज़र कर दिया मैंने, ये 150 ग्राम प्याज हमने 200 ग्राम तेल के अंदर फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। इनको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ बघार देने के लिए इस कीमे के ऊपर, जब साथ में ही तेज आंच के ऊपर मेरा कीमा भी जो है वो पक रहा है उसका पानी खुश्क कर रहा हूँ। ये देखिए ये पानी खुश्क होने की निशानी होती है, ये देखिए ये सिमटता जा रहा है। ये अभी ज़्यादा फैल नहीं रहा, जितना पानी खुश्क होता जाएगा तो ये जो है सिमटना शुरू हो जाएगा, ये फैलेगा नहीं। अभी देखिए मेरे चम्मच चलाने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये ज़्यादा फैल नहीं रहा, जिस तरफ मैं इसको लेके आ रहा हूँ उस तरफ ही आ रहा है। ये इसकी निशानी है कि ये इसके अंदर पानी खुश्क हो रहा है, लेकिन अभी भी जितना मुझे इसको खुश्क करना है उतना ये खुश्क नहीं हुआ, मुझे मज़ीद खुश्क करना है। खुशबू बहुत ही लाजवाब आ रही है, दिल चाह रहा है कि बस यहीं पर मामला को रोक दूँ और खाना शुरू कर दूँ। ये जी 3 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, ये मैं स्टैंड के ऊपर इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट हमारा पानी खुश्क हो गया, भुन गया कीमा। ये गरम मसाला इसके अंदर मैंने मिक्स कर लिया, जैसे जैसे इसके अंदर एडिशन करता जा रहा हूँ खुशबू बढ़ती चली जा रही है। अभी हमारा कीमा जो है वो बिल्कुल तैयार है ऑलमोस्ट बघार के लिए। इसके अंदर मैं बाकी चीज़ें डाल दूँ, मज़ीद खुश्क नहीं कर रहा मैं, ये काफ़ी है। ये देख रहे हैं ये एक जगह पे ये खट्टा हो रहा है, ये इसकी निशानी है। ठीक है जी, ये जी चूल्हा मैंने कर दिया बंद। चूल्हा बंद करने के बाद मैं इसको गार्निश कर रहा हूँ धनिया से, जिसको मैंने चॉप कर लिया है छोटा छोटा सा। धनिया जो है वो आपकी सवाबदीद है, जितना आप डालना चाहें, मुझे थोड़ा पसंद है इस वजह से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। और इसके साथ ही जो है ये जूलियन स्टाइल में कटी हुई अदरक है, मैंने पकाने के दौरान में अदरक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया था, खामखा ये डबलिंग हो जाती है। और इस टाइम के ऊपर अदरक अपना टेस्ट भी देती है और जो इसका अपना काम है वो भी करती है। ये बघार से पहले मैंने ये सब चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। ये देखिए जी हमारे प्याज जो है ब्राउन हो गए हैं और ये तैयार है। अब हम इसको डाल रहे हैं अपने घीमे में, बघार लगा रहे हैं। और ये बघार लगाने के बाद हमने इसको कर दिया बंद। सबसे अहम स्टेप की बारी आ गई जी, वो है धूनी लगाना। धूनी लगाने के लिए हमने कोयले को जो है वो चूल्हे के ऊपर रख दिया तेज़ आंच के अंदर। कोयला हमारा बहुत ज़बरदस्त किस्म का दहक चुका है और मैं इस वक्त रख रहा हूँ अपनी कटोरी को। ओह खुशबू, इस कटोरी को मैंने रख दिया, बिठा दिया अपने कीमे वाली देगची के अंदर। और ये हमने कर दिया चूल्हे को बंद और इसके अंदर हमने रखा ये कोयला। और कोयले को रखते के साथ ही इसके ऊपर मैंने डाल दिया थोड़ा सा तेल और ये मोटा ये बन। कुट्ठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। उफ, बहुत ही प्यारी प्यारी सी खुशबू आ रही है, बहुत ही जबरदस्त किस्म का हमारा जो है वो दम का कीमा नॉन हैदराबादी। ये यासिर भाई के लिए करना पड़ा मुझे, हैदराबादी नॉन हैदराबादी बहुत शरारती है हमारे दोस्त यासिर भाई, प्योरली हैदराबादी है और बेगम भी उनकी हैदराबादी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का हैदराबादी ख़ानदान है उनका। तो वो हर वक्त मुझे तंग करते हैं हैदराबाद के हवाले से अगर कोई डिश हो तो, इस वजह से मुझे बड़ा कॉन्शियस होना पड़ रहा है, आप लोग व्यूअर्स माइंड नहीं कीजिएगा। ये देखिए धुआं से भरी हुई हमारी पॉट और ये सारा धुआं जब कीमे में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एरोमा जो है वो पैदा हो जाएगा हमारे दम के कीमे के अंदर। इसको छोड़ देते 10-15 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के बाद इसको डिश आउट करके फुल गार्निश वार्निश करके फिर आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक। खुशबू की वजह से मोहल्ले से लोग आने लग गए पूछने के लिए क्या बना लिए डॉक्टर साहब, आ जाइए देखिए। ये सारा धुआं जो है वो हमारे कीमे ने अब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर, ये ढक्कन उठाया मैंने
देखिए प्यारी प्यारी जी हमारी कीमे की शक्ल। ये जी अब कोयले का काम हो गया ख़त्म, तो हमने इसको निकाल लिया बाहर और अब हम इसको भी करने लगे हैं डिश आउट। और बहुत मुश्किल काम होता है जब कोई एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा खुशबू से भरी हुई बहुत आतंक किस्म की बनी हो, तो उसके लिए उसके साथ फिर मजीद खेलना दिल चाहता है कि बस उसको खा लो, लेकिन क्या करें भाई ये सब करना पड़ता है। अब इसको मैं निकाल के डिश आउट करके इसकी ड्रेसिंग करके फाइनल शक्ल दिखाता हूँ आपको। ये दीजिए हमारे बीफ दम के कीमे की फाइनल शक्ल, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू और जायकों के साथ तैयार हो गया हमारा बीफ दम का कीमा। बहुत ही आसान किस्म की रेसिपी है, घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए और प्यारी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।